हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। और मेडिकल स्कूल के हमने इतने सारे डिस्कशन कर लिए थे, मेरे साथ श्रेय सोनी है, याद होगा, ये पिछली दो वीडियोस में लगातार आया है। तो हमने इतने डिस्कशन कर लिए, एनएट का अभी डिस्कशन नहीं किया ना हमने वीडियो में, उसको छोड़ के हमने मेडिकल स्कूल के इतने डिस्कशन किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोट्स टेकिंग डिजिटल होनी चाहिए या नहीं। तो डिजिटल नोट्स टेकिंग, मैं डिजिटल नोट्स लेता था, तू अभी तक डिजिटल नोट्स नहीं लेता है लेकिन तू लेना चाह रहा है, है ना? तो क्यों तू शिफ्ट कर रहा है डिजिटल नोट्स टेकिंग में? बहुत सारे प्रोज है डिजिटल नोट्स टेकिंग के। सबसे पहला तो ये है कि जितनी आप फिजिकल नोट्स लेते हो ना, उतनी कॉपीज आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है, उतनी आपके रूम वगैरह में वो जगह रखती है। और प्लस अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी रखोगे, ऐसा तो है नहीं है एक ही कॉपी में दो तीन सब्जेक्ट बसा रखे, ठीक है, तो फिर वो स्पेस बढ़ती जाती है, उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर स्टेशनरी भी काफी महंगी है, बहुत महंगी है, ठीक है, मतलब जो दो दो पैसों की पेन है वो यहाँ पर आई गेस 8 पैसों के आसपास मिल रही है, ठीक है, तो फिर वो आपको करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि आप डिजिटल नोट्स ले लो। वही डिजिटल नोट्स में अगर आईपैड वगैरह जैसी चीज, जैसे मैं आईपैड यूज करता हूँ, आईपैड प्रो है मेरे पास, तो उसमें क्या है, मैंने गुड नोट्स 5 है एक ऐप शायद, तो नोटेबिलिटी गुड नोट 5 जैसे ऐप्स आते हैं, तो मैंने गुड नोट्स 5 सिलेक्ट किया था। अब क्यों किया था मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यार मैंने उसमें देखा, मैं नोट्स बनाता हूँ ना, तो वो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन करके उसमें एक चीज है, तो मैं जो लिखता हूँ उसके बाद अगर मुझे याद करना है कि मैंने वो कहाँ ढूंढा, तो मैं उसमें बस सर्च कर दूंगा और वो दिखा देगा मेरे नोट्स में मैंने वो कहाँ लिखा है, तो मुझे ऐसे पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल, है ना? नहीं तो क्या होता है, इतने मोटे नोट्स है तुम्हारे फिजिकल, अब उसमें तुम कहाँ ढूंढोगे वो चीज, कहाँ पड़ी थी, फिर उसके लिए आपको वो स्टिकी नोट्स वगैरह लगाना पड़ता है, दुनिया भर की वो लड़कियों वाली चीजें स्टिकी नोट और वो कलर करना है अलग अलग, उससे वो सब नहीं करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब अगर आपको मन करता है वो कलरफुल करने का तो उसमें भी वो हो जाता है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा एक बड़ा जो प्रोस है डिजिटल नोट्स का वो ये है कि अगर आप मान लो इंडिया जाने की वापस सोच रहे हो और अगर आप मैरो या प्रेप लेटर वगैरह लेते हो तो उनके ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ आप नोट्स ले सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर आईपैड ही है, ठीक है, तो साइड में मतलब वन फर्स्ट हाफ में लेक्चर चल रहा होता है, दूसरे मल्टीपल विंडो खुल सकती है, नोट्स ले सकते हो, ठीक है, वो चीज अच्छी है, वो भी एक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है शायद मैरो वगैरह के नोट्स सिर्फ iOS में ही एक्सेस होते हैं, एंड्रॉइड वगैरह में एक्सेस नहीं होते, iPadOS में चलता है वहाँ। तो क्या है कि अगर आपकी नोट्स ऑलरेडी डिजिटल है तो आप जो मैरो या प्रेपरेटर जो भी वगैरह आप लेते हो, ठीक है ना, उसकी नोट्स और अपने जो खुद बनाई है उसको आप वही पर कंपेयर कर सकते हो, फिर वो आपको कॉपी वगैरह ढूंढना पड़ेगा और डिजिटल नोट्स में आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। वही, और जैसे इंडिया जाने की बात करी, अब तुम कितनी बुक्स ढोके ले जाओगे, पढ़ना तो होगा, अच्छा इंडिया नहीं पढ़ना, तुम कॉलेज जा रहे हो या वहां जा रहे हो, अब एनएट का लेक्चर है तुम्हारा, तो इतनी बड़ी बुक लेने से अच्छा, जैसे तूने क्लिनिकल एनाटॉमी की शायद तूने क्या लिया, वो मोरे लिए, और तूने एटलस लिए। अब मैंने वो सेम एटलस डाउनलोड कर रखी है आईपैड में, तो मैं सिर्फ एक आईपैड उठाऊंगा और उसमें सब कुछ है मेरा, वर्सेस तू 3-4 बुक्स उठाते है, भारी बैग लेके चलता है, तो वो ढोना नहीं पड़ता। 1 किलो की बुक है एटलस, 1 किलो की बुक है, तो 1 किलो मैंने बचा लिया, तो वो जिम में निकालूंगा मैं अब। तो ये अच्छा रहता है कि आईपैड में आपको इजिली वेट की दिक्कत नहीं होती है, और आईपैड जैसी चीज है या फिर टैबलेट, डिजिटल नोट्स टेकिंग, मैं आईपैड को प्रमोट नहीं कर रहा, है ना, जो तुम्हें डिजिटल नोट्स बनाने से, मेरा एक रूममेट है वो अपने लैपटॉप में नोट्स बनाता है, तो लैपटॉप में भी लोग बनाते हैं, तो लेकिन मैंने लैपटॉप सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसमें टाइप करते करना पड़ता है, इसमें फील आता है अपना, तो वो एक आता है लैप टैब जिसमें आप स्क्रीन निकाल के टच स्क्रीन यूज कर सकते हो और कीपैड के साथ भी यूज कर सकते हो, और ऐसे भी तो आते थे इनकी स्क्रीन भी टच स्क्रीन थी, लेनोवो का योगा जैसे आते थे वो पीछे मुड़ जाता था, वो सब भी काफी इसलिए तो पॉपुलर है, स्टूडेंट्स के जॉनर ही उनका स्टूडेंट्स था, और एज अ स्टूडेंट आप ये चाहोगे ना कि आपके नोट्स एक तो इजीली एक्सेसिबल हो, इजी टू कैरी हो, इजी टू कैरी हो, लेकर जा सके, इजी टू कैरी, और मजा आए नोट्स बनाने, तो एक मजा आता है यार आईपैड में नोट्स बन, गाने लगा रखे हैं एयरपॉड्स में, आईपैड में नोट्स बन रहे हैं, अपना फील आता है उसमें मेरे को, लेकिन वो पर्सनल प्रेफरेंस भी है ना। अब नोट्स टेकिंग डिजिटल में मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे टाइप करके नोट्स ना बनाए ज्यादा, मतलब मेरी प्रेफरेंस ही है, क्योंकि एक हैंड राइटिंग में अपना जो घिसा हुआ काम होता है ना वो अच्छा लगता है देखने में। दूसरा होता है वो क्या बोलते हैं, ससेप्टेबल मेमोरी या कुछ ऐसा होता है कि अगर आप लिखते हो तो वो आपको याद रहता है, वो
तीन या चार प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है विजुअल की आप देख कर याद रखते हो, एक होती है आप लिख के याद रखते हो, एक होती है सुन के याद रखते हो, और चौथी होती है आई गेस आप बार बार बोल के रिपीट करके याद रखते हो, रट्टे वाले करते हैं लोग। हाँ, तो अगर आप उस उनमें से हो जिनको लिख कर याद रहता है तो आपके लिए वो अच्छा है कि अगर आप खुद से लिखो बेटर देन टाइपिंग। बाकी डिजिटल नोट्स टेकिंग में ये भी अच्छा है ना कि नोट्स अगर गुम हो गए तुम्हारे फिजिकल, जैसे तूने कॉपीज बना रखी है, नोट्स बनाए, अब अगर कोई गुम कर दे उसे तो क्या। यहाँ पे क्या है, मैंने क्लाउड से लिंक कर रखे अपने नोट्स, तो आईपैड ही नहीं मैं अपने लैपटॉप से वगैरह मैक से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो फिजिकली मुझे जरूरत नहीं है अपने आईपैड को भी ले जाने की, मैं बस क्लाउड को एक्सेस करके वहां से नोट्स वगैरह देख सकता हूँ। और दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हो, ठीक है, ईयर फर्स्ट ईयर कम्प्लीट करके सेकेंड ईयर में जाते हो और आपको लगता है कि अब मुझे इस नोट्स में से पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे इतने ही टॉपिक्स है, तो आपको वहां फिर वो घिसना पड़ेगा, वो चेक वेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके डिजिटल नोट्स है तो आप इजीली उसे उतनी चीजें रिमूव कर सकते हो, उतना पैरा अगर ऐड करना है तो ऐड भी इजीली कर सकते हो। और नोट्स टेकिंग में मैंने क्यों गुड नोट्स वगैरह सिलेक्ट किया, अब उसकी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो क्या होता है, मैं जैसे लेक्चर चल रहा है, अब मैं नोट्स बना रहा हूँ, अब टीचर ने वहां स्लाइड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया, तो मैं क्या करता हूँ, आईपैड उठाया, फोटो खींची और वो मैंने इंपोर्ट कर दी अपने नोट्स में, तो मैंने ऊपर नोट्स लिखा है, नीचे आईपैड, वो फोटो वहीं आ गई है, फोटो में मैं मार्क करके अपनी चीजें लिख सकता हूँ। अभी फिजिकल नोट्स में कैसे करोगे आप, तो एक्चुअली आप जो देख रहे हो उसको इनकॉर्पोरेट कर पाना अपने नोट्स में। और इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, इसमें वॉइस रिकॉर्ड भी हो जाती है, तो प्रोफेसर जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है और मैं जैसे लिख रहा हूँ स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है। अब जब मैं प्लेबैक करूंगा उस चीज को तो मुझे पता चलेगा जब मैं लिख रहा था तब प्रोफेसर क्या बोल रहा था, तो मैंने ये नोट्स और ये अजीब सा डायग्राम क्यों बनाया। बिल्कुल, तो वो रिलेट बहुत अच्छा हो जाए और पढ़ अच्छे से पाते हो। तो गुड नोट्स 5 में मेरे को ये बहुत अच्छी चीज लगी। दूसरी अच्छी चीज जैसे मैंने बताई थी कि जो मैं लिखता हूँ वो हैंड राइट रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब इसलिए मैं, अगर तू आईपैड लेगा और अगर तू गुड नोट्स जैसी चीज लेना चाहेगा, गुड नोट्स है नोटेबिलिटी, अब ये फ्री के एप्स नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, 700-800 रुपए का शायद आता है, वन टाइम पेमेंट है जो कि अच्छी बात है। गुड नोट्स में क्या है, जब एक तो तू सिलेक्ट कर ले, है ना, गुड नोट्स है नोटेबिलिटी, तो मैं तुझे बोल रहा हूँ गुड नोट्स। अब गुड नोट्स के अंदर पहली चीज ये है कि जो तू लिखेगा वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, फिर तू आईपैड में पूरे 1000-2000 पन्नों में ढूंढ सकते हैं तूने कहां क्या लिखा है। दूसरी चीज, जो टीचर पढ़ा रहा है स्लाइड में दिखा रहा है या कैडेवर फाड़ के दिखा रहा है, तू वीडियो बना, फोटो बना, उसको नोट्स के बीच में लगा दे। बिल्कुल, और एक्चुअली तू उस फोटो को एडिट करके एरो वैरो मार सकता है, दिखा सकता है कि क्या है, और ये काफी हेल्पफुल रहता है क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू एग्जाम्स में वैसे ही डायरेक्ट डायग्राम को दिखा देते, डायरेक्ट डायग्राम दिखा रखा था कैडेवर का फाड़ते हुए कि ये क्या है, तो जब कौन सा पॉइंट है, मसल कौन सा है, याद रहेगा फिर आपको। बिल्कुल। तीसरी चीज, प्रोफेसर अगर बहुत बढ़िया लेक्चर दे रहा है, बोल रहा है, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा नोट्स के साथ साथ, प्लेबैक करते हुए लिखा हुआ आएगा जो आप लिख रहे थे जब वो बोल रहा था। बिल्कुल। चौथी अच्छी चीज गुड नोट्स की ये है कि बहुत सारे पेन्स के ऑप्शन है, वो सजावट वजावट, अगर तेरे को मजा आता उस चीज में तो वो कर सकता है, कलरफुल, इंटरेस्टिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। और लास्ट चीज ये है कि वो एक्सेसिबल है आपके आई क्लाउड से भी, तो उसमें आप सीधा ऊपर डाल दो और फिर बाकी जगह आप डाउनलोड कर लो नोट्स को। तो इन सब की वजह से मुझे डिजिटल नोट्स टेक में गुड नोट्स अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो फाइनली तू सिलेक्ट कर रहा है अब डिजिटल डिजिटल नोट्स में, डिजिटल आने में। और फॉरेन कंट्रीज में हम देखते भी हैं कि बहुत बच्चे आईपैड जैसी चीजें यूज करते हैं यहाँ पर, मतलब जो यहाँ के नेटिव्स है, जो फिलिपिनो स्टूडेंट्स है, वो तो मेजोरिटी डिजिटल नोट्स ही रखते हैं। मैंने किसी को भी कॉपी और कॉपी पेन के साथ तो नहीं देखा, नहीं देखा। सही है, डिजिटल नोट्स टेकिंग अब मॉडर्न तरीका है, हमें आगे बढ़ना है, डिजिटल नोट्स टेकिंग एक नेक्स्ट स्टेप है। और नोट्स कैसे लेनी चाहिए उस पे डिस्कशन, एक अलग डिस्कशन होगा, नोट्स कैसे बनाने चाहिए। हाँ। क्योंकि नोट्स हमेशा कस्टमाइजेबल होने चाहिए, तुम्हारे हिसाब से होने चाहिए। हाँ। तुम हमारे नोट्स टेप के नहीं पढ़ पाओगे। लोग क्या करते हैं, पहली रीडिंग में नोट्स बनाने लगते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है। पहली रीडिंग में नहीं बनाना चाहिए, पहली रीडिंग में नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए। पहली रीडिंग होती है सिर्फ एक्सप्लोर के, क्या टॉपिक, तुम्हारा बेस बनेगा। बिल्कुल, उसके बाद तुम ऊपर उठोगे। तो नोट्स कैसे बनाने चाहिए वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आज हमने बताया कि क्यों आपको डिजिटल नोट्स टेकिंग लेनी चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, प्रोस क्या थे उसके, कॉन्स में तो मेरे हिसाब से कोई कॉन इतना है नहीं। एक कॉन ये कह सकते हो कि आई स्ट्रेन आ जाता है,
और क्या नेगेटिव बात है, आई स्ट्रेन के साथ सर दर्द हो रहा है, स्क्रीन टाइम थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, तो और आईपैड जैसी महंगी चीज अगर चोरी हो जाए तो हाँ अब वो तो भाई आपके ऊपर, देखो एक ही चीज है तो फिर डेफिनेटली आप संभालोगे, बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही चीज आपको संभालनी है तो संभाल लो, और अभी तो बड़े तो हुए ही है तो इतना तो रिस्पॉन्सिबल बनना ही पड़ता है, डेफिनेटली। बस ये था आज की वीडियो में, थैंक यू।